नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पेज पे। आज हम आपको बताएंगे इनकम टैक्स का ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं, यानी कि अगर आपको एडवांस टैक्स है, सर टैक्स है, अदर टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या पेनल्टी पेमेंट है तो उसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं विदाउट चालान। तो आप कैसे करेंगे पूरा प्रोसीजर बताएंगे दोस्तों। इसके लिए आपको सबसे पहले नंबर वन वेबसाइट rozgarrizult.com को ओपन करना है दोस्तों। ध्यान दें, rozgarrizult.com, इस पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा पेमेंट करने का। आपको सीधा वेबसाइट को ओपन करना है rozgarrizult.com, लास्ट में .com जरूर चेक कीजिए। यहाँ पर देखेंगे आपको व्यू मोर का लिंक दिखाई दे रहा है इंपॉर्टेंट, उस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे दे रहा है ऑनलाइन टैक्स इनकम टैक्स पेमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। क्लिक करते मैंने आपको सीधा नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑनलाइन टैक्स पेमेंट, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, सर्च टैक्स, डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट टैक्स, सेल्फ असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट टैक्स। आपको सिंपली इस पर क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है दोस्तों। अभी मैं आपको पहले ऑनलाइन जो है एडवांस टैक्स का पेमेंट करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद बाकी पेमेंट भी आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करनी है, नॉर्मल जो है 280 पे ही रहता है, यानी हम 280 पे आगे बढ़ा देते हैं। कुछ स्पेशल हो तो आप चेंज कर सकते हैं। 280 पे करने के बाद जैसे आपका कॉर्पोरेट टैक्स है तो कॉर्पोरेट पे कीजिए। मेरा इनकम टैक्स अदर देन कंपनी है, मैंने उस पर कर दिया। एडवांस टैक्स का पेमेंट कर रहा हूँ यानी कैटेगरी जो पेमेंट की है वो कर दिया आपने। यहाँ पे आपको अपना बैंक का नाम डालना है, किस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों उसमें बहुत से बैंक हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं। आप उसको क्लिक कर दीजिए, जैसे मैंने ICICI बैंक सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना असेसमेंट ईयर डालना है दोस्तों। ध्यान है, असेसमेंट ईयर डालना है, फाइनेंस ईयर नहीं डालना है, असेसमेंट ईयर डालना है। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालनी है, यहाँ पे आपको अपना स्टेट डालना है, पिन कोड डालना है। भैया दोस्तों इसमें स्टार लगा है वही चीज़ें डालना आपको कंपलसरी है। तो चलिए दोस्तों डालते हैं और आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए सारी डिटेल्स मैंने फिल आउट कर दी है। नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ कैप्चा दिखाई देगा, जो भी कैप्चा आपको उस समय को वहाँ पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ टैक्स एप्लीकेबल आ गया, नंबर आ गया, कोड आ गया, पेमेंट टाइप आ गया, मोड ऑफ पेमेंट आ गया, बैंक नेम आ गया। यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर शो करेगा और नाम आपका शो करेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों असेसमेंट ईयर शो कर रहा है आपका और फाइनेंशियल ईयर भी नीचे ब्लिंक कर रहा है, यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 है दोस्तों। ये सब चीज़ें आप चेक कर लीजिए, फिर सीधे आपको नीचे आना दोस्तों। नीचे आप आएंगे यहाँ पे आपको देखिए डिक्लेरेशन पे टिक करना है और सबमिट टू द बैंक पे क्लिक कर देना है, या जो येलो वाला दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों क्लिक करते हैं दोस्तों। देखिए जैसे ही आगे बढ़ेगा यहाँ पे तीन ऑप्शन देंगे, क्योंकि मैंने ICICI बैंक चूज़ किया। अगर आप रिटेल कस्टमर है तो रिटेल यूज़र कीजिए, कॉर्पोरेट है तो कॉर्पोरेट कीजिए, अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हो यहाँ कीजिए। चलिए दोस्तों मैं कॉर्पोरेट यूज़र पे आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए कॉर्पोरेट बैंकिंग का हमारा लॉगिन और पेज खुल गया है। यहाँ पे आपको लॉगिन डालना है, अगर आप किसी और बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो उसका लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको अपना नेट बैंकिंग का लॉगिन और पासवर्ड डाल के प्रोसीड पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों डालते हैं और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ये देखिए मैंने अपनी डिटेल्स फिल आउट कर दी है, मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा दोस्तों। देखिए डिटेल्स खुल गए हैं। यहाँ पे आपको जो है कि एडवांस टैक्स में वहाँ क्लिक किया था तो अपने आप क्लिक है। आपको यहाँ पे जो है अपना जो आपको एडवांस टैक्स पे करना है वो डालना है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे 2 लाख रुपये फीड कर देता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों पेनल्टी कोड है, अगर आपको कुछ पेनल्टी वगैरह करना है तो क्लिक कीजिए। यहाँ पे दोस्तों नीचे आप देखेंगे रिमार्क है, रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया एडवांस टैक्स पेमेंट दोस्तों। इसको क्लिक करके आपको थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा, जो भी आपका बैंक का पेज खुलेगा, जैसे ICICI बैंक का पेज खुला हो इस तरह आपका भी जिस बैंक का पेज खुले उस पर क्लिक करना, फिर नीचे आना दोस्तों। जब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है कैलकुलेट टोटल अमाउंट, उस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। देखिए कैलकुलेट टोटल अमाउंट क्लिक करते मैंने यहाँ देखिए आगे ₹2 लाख एंड पैसा 0 पैसा ओनली। तो दोस्तों उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है दोस्तों। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए सबमिट आया। जैसे ही दोस्तों सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और इनकम टैक्स अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों सबमिट करते हैं दोस्तों। देखिए पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया था, पेमेंट इज मेड सक्सेसफुली। यहाँ आपका रेफरेंस नंबर आ गया, जहाँ आपने जिस अकाउंट से पेमेंट किया उसका डिटेल्स आ गया, और आप यहाँ देखेंगे आपका जो पैन कार्ड नंबर आ गया, और नीचे देखिए जिस ब्रांच में पैसा गया है उत्तम नगर दिल्ली की उसका आ गया अमाउंट आ गया। नीचे दोस्तों आप इसको आप फोटो खींच के भी रख सकते हैं, नहीं तो नीचे आप जाएंगे तो आपको डाउनलोड और प्रिंट का भी ऑप्शन मिलेगा, आप इसको प्रिंट भी करके रख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है इनकम टैक्स के, एडवांस टैक्स का, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करने का। आपको किसी वकील, किसी एडवोकेट, किसी CA के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास कंप्यूटर है, आप सिंपली rozgarrizult.com के इंपॉर्टेंट सेक्शन के व्यू मोर में जाइए और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा पेमेंट कर दीजिए। मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया, आप उसको बस फॉलो करते चलिए, बहुत ही आसानी से पेमेंट हो जाएगा। आपको कहीं भी नहीं दौड़ना, केवल अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर लैपटॉप पे इसको पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि इसी टाइप की वीडियो और आए आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नमस्कार, धन्यवाद।